अभी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुआ है सुलोचना जी, अब स्टार्ट हुआ। गुड, हो गया शेयरिंग? हाँ शेयरिंग हो गया। हाँ जी हो गया। रिकॉर्डिंग भी सारा हो लगभग है ना जी दादा, स्टार्ट करिए। जस्ट शुरू करने। सभी को प्रणाम, नमस्कार। पिछले दिनों हमने जानने का प्रयास किया ब्लड के अंदर क्लोटिंग कैसे होता है, ब्लड के अंदर कितने रुधिराम कण क्या होते हैं, उसका अंदर का प्रमाण के दृष्टिकोण से हमने देखने का प्रयास किया कि अंदर उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, WBC, RBC है ना, प्लेटलेट्स, ये सब जानने के बाद में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर हमने देखा कि एक ब्लड का थक्का कैसे जमता है, एक चार प्रकार के उसके जो एक चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, ये चरणबद्ध तरीके से हमने जानने का प्रयास किया कि ब्लड का थक्का किस प्रकार जमता है। फिर उसके बाद में हमने उनकी बीमारी के संदर्भ में जाना और प्लेटलेट्स के गिरने की संख्या को हमने नियंत्रित करना और नियंत्रण के साथ में उसका गिरने की प्रक्रिया को रोकने का तरीका जाना। तो आज हम जानते हैं ब्लड की संरचना के बारे में, देखेंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव आर फैक्टर आर एच फैक्टर ये क्या है, ऐसा कुछ होता है ये जो हम सुनते हैं ज्यादातर डॉक्टर्स हमें जांच करते समय पूछते हैं ये क्या, कौन सा फैक्टर है, क्या है, इस फैक्टर वाले दृष्टिकोण पे निगाह डालने का हम प्रयास करेंगे। तो इस विषय में हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले तो आज हम ब्लड ग्रुप के संदर्भ में जानने का प्रयास करते हैं। तो लैंड स्टीनर एक व्यक्ति था और विनर एक व्यक्ति था, इन दोनों ने इसकी खोज की थी कि ब्लड के अंदर कुछ होता है। तो ऐसा क्या है ब्लड के अंदर जिससे एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जा सकता, या ऐसा क्या होता है ब्लड के अंदर जो ब्लड चढ़ाते समय हम एक दूसरे का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि कौन सा ब्लड किसको चढ़ना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए, इस क्रम को कैसे देखा जाए और कैसे समझा जाए। तो ये जो एक विनर था और इसने इसको जान करके ये बताया सबसे पहले आधुनिक विज्ञान में कि इसकी खोज की और जाना और उसके बारे में ये बताने का प्रयास किया बंदे ने कि इसका कैसे हम प्रमाण देखते हैं, कैसे क्या इसकी व्यवस्थाओं को देखने का काम करते हैं। मंजीत जी अपना माइक म्यूट कर लो।
आवाज आनी बिल्कुल ही बंद होगी मैम। तो आज हम देखने का प्रयास करते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे होता है, तो अभी हमने देखा ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा के अंदर आरबीसी तैरता रहता है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, वो जैसे चाय के अंदर चाय पत्ती ऊपर तैरती रहती है, ठीक इसी प्रकार से ब्लड के अंदर भी ये आरबीसी तैरती रहती, स्विमिंग करती रहती है आराम से, राइट। अब इसको हमको समझना है कि ये क्या है, क्यों है, ऐसा क्या होता है कि एक प्रोटीन पाया जाता है इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर जिसका नाम है एंटीबॉडी। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी प्रोटीन, ये लिखा हुआ यहाँ पर, प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी प्रोटीन। इसे स्मॉल ए और स्मॉल बी से शो किया जाता है, मेडिकल लैंग्वेज में क्या इसे शो करते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। कल हमने पिछली क्लास में ये जानने का प्रयास किया था कि एंटीबॉडी और ये सारी जो चीजें देखा हमने, आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी, इसके पार्ट में एंटीबॉडी भी एक चीज हमने देखा था, है ना। तो अब एंटीबॉडी एक प्रोटीन कंटेंट के रूप में इसमें प्लाज्मा में पाया जा रहा है, ठीक है। तो दो तरह के एक प्रोटीन होते हैं इसमें, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये स्पाइक प्रोटीन की तरह एक होता है, जैसा कोरोना का जाल होता है ना, ये देखिए ये स्पाइक प्रोटीन, ये लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं ना, एक संरचना बन रही है, देख पा रहे हैं हम लोग, एक गोला है, उसके उसके चारों तरफ हम देखते हैं तो वाई वाई को पकड़ के जोड़ दिया है ना, वाई था, वाई को पकड़ के उस गोले की नीचे वाली डंडी को जोड़ दिया, है ना, ऐसे ही दिख रहा ना, एक्स वाई जेड होता है, तो वाई जो है ना वाई को पकड़ पकड़ के जोड़ दिया, तो चार वाई को इस गोले के चारों तरफ जोड़ दिया, ऐसे ही दिख रहा है। इस गोले को बीच में से हटा दें तो क्या दिखेगा, चार वाई दिखेंगे ना, वाई 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 वाई, एक्स वाई जेड में वाई दिखेगा भाई। अब गोले को बीच में रख दिया है और गोले से जोड़ दिया है वाई को, तो यहां क्या दिख रहा है, वाई, यहां जो दिख रहा है वो है वाई, ठीक है। तो हमने देखा था कि एंटीबॉडी काय में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। पार्ट टू में हमने देखा था एंटीबॉडी कहाँ पे देखा था, हमने डब्ल्यूबीसी के प्रकार में एंटीबॉडी लिखे थे हमने, तो छह पार्ट लिखे थे, उसमें से एक एंटीबॉडी का नाम भी था, ठीक है, बताए सिर्फ पांच थे, लिखे थे छह, है ना। तो एंटीबॉडी जो है वहां कोरिलेट करके दिखाया गया था, क्या किया था, उससे जोड़ने का दिखाया गया था, लेकिन वो जो है इंडिपेंडेंट प्रोटीन है, क्लियर। तो ये स्पाइक प्रोटीन जैसा दिखता है, इसकी संरचना कुछ ऐसी है वाई जैसी, राइट। अब ये वाई जो है प्लाज्मा के अंदर तैरता हुआ, जैसे चाय पत्ती तैरती है ऐसे ही ये तैरता रहता है, आरबीसी के मुहाने पे जुड़ा रहता है। आरबीसी कैसी होती है, गोल गोल होती है, देखा था ना आरबीसी को, आरबीसी कैसी होती है दिखाएं, आरबीसी आरबीसी आरबीसी, आ जाओ,
आरबीसी कहाँ हो गई? ये देखिए, अब इसके अंदर कुछ आरबीसी है, ये देखिए आरबीसी है ना। आरबीसी ऐसी गोल गोल जैसी संरचना है, ऐसी अंदर ये ब्लड की एक बूंद है पूरी, और इस बूंद के अंदर अंदर गोले 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 दिख रहे हैं, ये आरबीसी है। अब ये पूरा ये गोला जो है, बूंद है ब्लड का, ये क्या है? प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में हल्का सा येलो कलर रहता है। इस येलो कलर में ही ये आरबीसी, जैसे चाय में चाय पत्ती तैरती रहती है ऊपर, ऐसे ये अंदर तैरते रहते हैं, आरबीसी भी अंदर तैरते रहते हैं, राइट। और एक और इसका चित्र है हमारे पास, शायद ये रहा, ये देखिए, ये देख रहा है, ये आरबीसी है ना। ये ब्लड है, ब्लड के अंदर ये सब तैर रहे हैं अंदर, है ना। ये सब गोल 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 तैर रहे हैं, ये चमकने चमकने से दिखते हैं ना, ये गोल गोल सब तैर रहे हैं। यस, ये सब आरबीसी है, राइट। इस तरह से दिखता आरबीसी। तो अब अपन, हमने दर्शन कर लिए आरबीसी के, अब आरबीसी देवता को भगा देते हैं, हमारे बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम, जहां पर एंटीबॉडी की हम चर्चा कर रहे थे। हम चर्चा कर रहे थे इन भाई साहब की, ये वाई जैसे दिखते हैं, सब गोल गोल के किनारे पर दिख रहे हैं, राइट। तो हमने अभी देखा एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये एंटीबॉडी कैसे दिखते हैं, ये आरबीसी है ना, ये आरबीसी ये बिल्कुल गोल है बीच में, है ना, इसके चारों तरफ चार वाई लगे हुए हैं। इस आरबीसी को बीच में से हटा देंगे तो क्या बन जाएंगे, चार वाई। ये जो चार वाई है ना, यही एंटीबॉडी है। ये क्या है, चार वाई यानी चार एंटीबॉडी दिख रहे हैं, करेक्ट। एंटीबॉडी की और शक्ल कैसी होती है, और देखते हैं। ये एंटीबॉडी की शक्ल कहाँ गई, ये रही, ये बी लिखा ना, बी, यस, बस ऐसा दिखता है ये एंटीबॉडी। ये चार वाई हैं, राइट, ये चार कैपिटल के वाई हैं, और ऐसे वायों को अपन जोड़ दिया तो ऐसा बन जाएगा। एक एंटीबॉडी कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ये रहा, जिसके आगे बी लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, एंटीबॉडी हो गया। ऐसा एंटीबॉडी दिखता है ब्लड के अंदर, देखेंगे ना। अपन जो वैक्सीन लगा देते हैं तो वैक्सीन लगाने के बाद में एंटीबॉडी बनेगी नहीं, ये देखते हैं, चेक करते हैं, ये ऐसे ही चेक करते हैं, ब्लड को निकाल लेते हैं, फिर चेक करते हैं एंटीबॉडी बने कि नहीं बने, ऐसे एंटीबॉडी है कि नहीं, है ना। तो ऐसे एंटीबॉडी चेक करते हैं, ऐसे ब्लड में सबके एंटीबॉडी होते हैं, लेकिन कोरोना का एंटीबॉडी बना कि नहीं बना, ये देखने के लिए किया जाता है टेस्ट। कोरोना या किसी भी बीमारी का पर्टिकुलर, तो इस तरह से हम देखते हैं। तो ये देख रहे हैं हम एंटीबॉडीज हैं, इसमें कितने हैं, चार एंटीबॉडी दिख रहे हैं, राइट। अब इस एंटीबॉडी को समझने का प्रयास करते हैं, ये ऐसा क्यों है, क्या है, कैसे है। इस आरबीसी के बाहर एक एंटीजन प्रॉपर्टी पाई जाती है, प्रोटीन पाया जाता है ना,
उसको ए या बी के दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी, ये दोनों में अंतर समझ में आया? ये देखिए, ये एंटीजन ए और बी, ठीक है, देखिए एक तो आरबीसी है ना, ये आरबीसी के यहाँ एक तो प्लाज्मा देखा अपन ने, दूसरा हम यहाँ देख रहे हैं सेकंड नंबर पे आरबीसी, आरबीसी का के मुहाने पे ये ए या बी एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन, ये तो एंटीबॉडी हो गया ए और बी, जिसको कैपिटल नॉन कैपिटल छोटा इसमें स्मॉल कैपिटल यानी नॉन कैपिटल ए और बी से शो करते, राइट, ये एंटीबॉडी हो गया। अब हम एंटीजन की बात करते हैं, एंटीबॉडी का पता है ना आपको, ये ढूंढने का वहां पे सुरक्षा चक्र होता है डब्ल्यूबीसी का, तो ये क्या करता है, पहरेदारी काम करता है ना, रोग कोई आता है तो ये बता देता है, किसको बताता है, लिम्फोसाइट को बताता है, पता है ये हमने देखा था, कहाँ देखा था, डब्ल्यूबीसी में, राइट। अब हम देखते हैं आरबीसी में, ये तो प्लाज्मा के अंदर है राइट, ए और बी से इसको शो करते हैं, स्मॉल ए और बी से, और कैपिटल ए बी से किसको शो करते हैं, एंटीजन को, स्मॉल ए बी से किसको, एंटीबॉडी को शो किया जाता है, और कैपिटल ए और बी से किसको शो करते हैं, एंटीजन। तो एंटीजन भी एक प्रोटीन है और एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन है, तो एंटीबॉडी की शक्ल कैसी है, ऐसी है, ठीक है, और एंटीजन प्रोटीन की अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट है, अभी बताते हैं उसका, ठीक है। तो ये इसको कैसे शो करते हैं, ये एंटीजन क्या करता है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है, यही आरबीसी के मुहाने पर ए या कैपिटल बी के, कैपिटल ए या कैपिटल बी की शक्ल में दिखता है, उससे हमको पता पड़ता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो आरबीसी के मुहाने पर यदि ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा ये लेफ्ट साइड वाला, तो ये क्या है, एंटीबॉडी, और अभी एंटीजन का हम शक्ल दिखाएंगे कैसा, अभी हम देखेंगे उसको, तो उसको बोलेंगे एंटीजन। एंटीबॉडी और एंटीजन में फर्क आ गया, दोनों ही प्रोटीन है, लेकिन ऑन पेपर इसको क्या दिखाएंगे, यदि कैपिटल लिखेंगे तो एंटीजन हो जाएगा, और नॉन कैपिटल लिखेंगे या स्मॉल लेटर लिखेंगे ए और बी, तो क्या होगा, ये एंटीजन हो जाएगा, तो एंटीजन और एंटीबॉडी हो जाएगा, तो एंटीबॉडी और एंटीजन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लिखने के लिए समझ में आ गया, लिखने के दृष्टिकोण से स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे एंटीबॉडी के लिए, एंटीजन के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, ए और बी, ठीक है, ए और बी कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई आपसे पूछे कि किसी ब्लड ग्रुप के, किसी व्यक्ति विशेष के ब्लड ग्रुप के, ग्रुप का जो निर्धारण या उसका डिटर्मिनेशन जो जिस आधार पे किया जाता है, वो किस आधार पे किया जाएगा, एंटीबॉडी के या एंटीजन के, तो आपको उत्तर क्या होगा, एंटीजन के आधार पे, ना कि एंटीबॉडी के आधार पे, क्लियर कट, ठीक है, तो एंटी जन के आधार पे, एंटीजन यानी कैपिटल वाले ए बी के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण होगा, ना कि एंटीबॉडी के आधार पर, एंटीबॉडी तो वाई वाला हो गया और ये
ये दिखेगा ए और बी जैसा, तो आरबीसी के ऊपर ये वाई जैसा लगा होगा तो वो हो गया एंटीबॉडी, और ए बी सी जैसा दिखेगा तो एंटीजन। ठीक है, तो ब्लड को आरबीसी को जब हम एक आरबीसी को पकड़ गए और उसको सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप जिनमें नीचे लगा के देखेंगे बड़ा करके उसको जूम करके, तो ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा एंटीजन। यदि कैपिटल होगा तो एंटीजन दिखेगा अलग, और वाई जैसी संरचना दिखेगी तो एंटीबॉडी कहेंगे, और ए बी कैपिटल जैसा दिखेगा उसका आरबीसी के ऊपर लगा हुआ तो उसको क्या कहेंगे, एंटीजन। ठीक है, तो इसके आधार पे ब्लड का निर्धारण होता है। अब कैसे होता है वो एक एक करके अभी देखने का प्रयास करते हैं। तो एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, एंटीजन आरबीसी के बाहर पाए जाते हैं, सटे हुए दिखते हैं। एंटीजन कहाँ होता है, आरबीसी के बाहर सटा हुआ रहता है। एंटीजन कहाँ होता है, आरबीसी के बाहर सटा हुआ दिखता है, और डॉक्टर इसी से पकड़ लेता है कि ये ब्लड ग्रुप ए है कि ए बी है कि ओ है कि पॉजिटिव है नेगेटिव, ये ऐसा करके ये उसको पता लग जाता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप देखने का आज चेक करने का क्या तरीका होता है, क्या दिखेगा तो क्या माने, क्या दिखेगा तो क्या माने, बच्चे का माँ बाप का ब्लड ग्रुप क्या है तो बच्चे का क्या होगा, ये सब हम आज कोशिश करेंगे, समय रहा तो पूरा कर देंगे, नहीं तो हम थोड़ा सा लेके और फिर अगले बार में माँ बाप का से बच्चे का ग्रुप जो है कैसे बनता है वो हम देखेंगे। तो ये जो ब्लड ग्रुप है ए है के बी, बस एक मिनट लगता है ग्रुप पता करने में। आप कैसे पता करते हैं ये देखते हैं। तो क्या करना, एक बूंद ब्लड निकालना और एक कांच की स्लाइड के ऊपर रखना, दूसरी स्लाइड से उसको पतला करना, बिखेर देना उसके ऊपर स्लाइड पे, फैला देना, उस जब पूरा अच्छे से फैल जाएगा फिर उसके अंदर ऊपर माइक्रोस्कोप लगा के फिर देख करेंगे तो उसको अंदर देखेंगे क्या दिखेगा, ये जो आएगी हमारी रेड रेड ब्लड सेल्स जिसको रेड ब्लड कार्पल बोलते हैं, ये लाल लाल कलर के ये गोल गोल ऐसी भी चित्र दिखा था ना अभी, ऐसे ही उसके अंदर ब्लड के अंदर पानी में ऐसे ये सारे तैरते हुए नजर आएंगे। अब इसी को हमको जूम करके बड़ा करके देखना होगा कि ये ब्लड ग्रुप कैसे आता है। तो ब्लड ग्रुप कैसे आता है अब माइक्रोस्कोप से देखते हैं। क्या हमको माइक्रोस्कोप मिल जाए तो डॉक्टर साहब के जैसे हम बता सकते हैं क्या, यस बिल्कुल करेक्ट, बड़ा आसान है, कोई कठिन नहीं, उसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं, इतना आसान है। अभी देखना, अभी एक मिनट में समझ में आ जाएगा सर। तो कुछ भी नहीं चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, राइट। तो अभी हमको दो चीजें तो समझ में आ गई थी, है ना, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ नहीं तो फिर भूल ना जाए। प्लाज्मा में क्या पाया गया था, एंटीबॉडी। आरबीसी में क्या मिला हमको, एंटीजन। एंटीबॉडी काय में मिला, प्लाज्मा में। एंटीजन काय में मिला, एंटीबॉडी। एंटीजन जो है मिला हमको आरबीसी में। प्लाज्मा में कैसी शक्ल का था, वो वाई वाई जैसा चिपका हुआ था, आरबीसी के बाहर वाई वाई जैसा चिपका हुआ दिखता है तो वो क्या है, एंटीबॉडी। अब एंटीजन, एंटीजन देखना, अब तो क्या करेंगे,
वही आरबीसी को लेंगे, क्योंकि ये आरबीसी के बाहर दिखेगा ना, तो हमको तो आरबीसी को बाहर देखना है एंटीजन। ये एंटीजन से हमको पता लगेगा कि इसके जो कर्व हैं वो बी आकार के हैं कि ए आकार के हैं, उससे हमको पता लगेगा। तो ये आरबीसी ब्लड में तैरता रहता है। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप, वेरी सिंपल आसान है एकदम। तो आरबीसी जब हम देखेंगे तो ये ब्लड ग्रुप ए है, देखिए करेक्ट। तो ये जब आरबीसी ऐसी गोल गोल दिखेगी ना, ऐसी गोल गोल आरबीसी दिखेगी। आरबीसी हमको कैसे दिखती है, हमको पता है बिल्कुल गोल दिखती है। लेकिन इसके आगे ये जो ए लिखा है कैपिटल ए, अब ए का जो ये त्रिभुज है ऊपर का, नीचे के दोनों डंडे हटा दो, नीचे के डंडे उठा के उसके अंदर आरबीसी में चुबो दो, अंदर घुस जाएगा वो, है ना। तो बाहर क्या रह जाएगा, खाली ये त्रिभुजाकार ए। ये त्रिभुज है ना आरबीसी के आगे, ऐसा त्रिकोणा जैसा दिखेगा, ये ऐसा त्रिकोणा जैसा दिख रहा नहीं, ये एक त्रिकोण हो गया राइट, ये देख रहा है बड़ा बड़ा तीर जैसा दिख रहा, तीर जैसा। तो ये जो ए है ना, ये जब आरबीसी के बाहर ऐसा दिखेगा तो समझ जाओगे ब्लड ग्रुप ए हुआ। क्या है ब्लड ग्रुप ए, ये आरबीसी गोल गोल थी हमारी, और उसके ये जो बाहर का जो एरिया है उस पे ऐसे ये निकले रहते हैं, तो समझ जाएंगे क्या ब्लड ग्रुप ए। जरूरी नहीं इसमें तो पांच निकले हुए ना, एक दो तीन चार पांच, जरूरी नहीं है कि पांच ही हो, एंटीजन की संख्या घटती और बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये आरबीसी के छह भी हो सकते हैं, यहाँ पे दस भी हो सकते हैं, एक कण के चारों तरफ ये लपटे हुए दिखते हैं। जितने ज्यादा एंटीजन होते हैं उतना ही ज्यादा हमारी इम्यूनिटी ठीक अच्छी हो जाती है, यानी हमारे को अच्छे से जानकारी पता लगेगी। मान लो जैसे कोरोना का है तो एक कोरोना के एंटीजन डेवलप हो जाएंगे, या किसी पर्टिकुलर बीमारी के देखने में लगेंगे। तो हमको ब्लड ग्रुप देखने के लिए ऐसा देखना पड़ेगा, कोरोना को एक बार छोड़ दीजिए साइड में, भूल जाते हैं, है ना, या किसी एक पर्टिकुलर बीमारी को हम चेक करना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं एक तरफ। लेकिन फिलहाल हमको ये खाली देखना है आरबीसी के बाहर देखेंगे तो ये ए देखना है ब्लड ग्रुप ए, तो ऐसे ये बाहर त्रिभुजाकार संरचना दिखेगी। तो आप समझ जाएंगे क्या है एंटीजन ए, यानी यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ए हुआ। क्या पता लगा यहाँ पे, तो कैपिटल ए एंटीजन पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हुआ ना। बिल्कुल सिंपल, करना क्या है माइक्रोस्कोप में एक बूंद ब्लड डालना है, नीचे वो स्लाइड के ऊपर फैलाना है, माइक्रोस्कोप पे देखना है। देखने के बाद में केवल आरबीसी के आरबीसी को चेक करना, आरबीसी के मुंह के ऊपर ऐसा ए जैसा ऊपर का भाग दिखेगा उभरा हुआ, तो क्या पता लगेगा ब्लड ग्रुप ए है। वेरी सिंपल, पता लग गया ना, ऐसे ही तरह बी आ जाएगा करेक्ट। तब ए को भी देखते हैं, बी को देखें, देखिए अभी हमने देखा कि एंटीबॉडी जो है वो ऐसे इसके मुहाने पे चिपका हुआ, ऐसे चिपक जाता है फिर हट जाता है, फिर चिपक जाता है फिर हट जाता है ना। तो ये क्या करते हैं, ऐसे तैरते रहते। तो एंटीबॉडी एंटीजन
आरबीसी एंटीजन तो ये चिपका रहता है ऊपर आरबीसी के ऊपर है ना, और एंटीबॉडी अलग अलग तैरते रहते हैं, क्या होते हैं ये तैरते रहते हैं। तो एंटीबॉडी का क्या काम है, ये सारे आरबीसी के मुंह आने पे चिपक चिपक के देख देख के ढूंढ ढूंढ के देखता है कि कोई वायरस बैक्टीरिया तो नहीं है, राइट, इसको चेक कर रहा होता है ना, इसका तो काम ही ये पकड़ पकड़ के एक को देखता है। तो कैसे चेक करेगा, उसके पास में जाएगा, उसके टच करेगा और फिर घूम घूम के गोल गोल तैरता रहेगा। तो ये सब उस ब्लड के प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। आरबीसी भी क्या करता है, तैरता रहता है ना। आरबीसी के मुहाने पे ये ए जैसी संरचना दिखती है, तो जिस ब्लड का ग्रुप जो ए हुआ, ठीक है, तो एंटीबॉडी का जो क्या होगा शेप, वो बी होगा। ये याद रखना हमेशा, यदि ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा, बी पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा, मान लो ए और दूसरे में भी ए होता, देखिए ये इसके कर्व जो है ना मुंह के, ये किनारा ए एंटीबॉडी का जो किनारा, ये गोल बना हुआ है एकदम ऐसा गोल है ना ये मुंह का, ये देखिए दिख रहा है। अब ये जब घूमेगा और इस कॉर्नर तीखे वाले भाले से यहाँ गोल वाला टकराएगा, तो ये जब टकराएंगे आपस में तो ये क्या होगा, इसके अंदर से स्लिप मार के घूमने लग जाएगा, ब्लड जाम नहीं होगा, ब्लड में चिपकेगा नहीं ना, भगवान कितना सोच समझ के बनाया। तो एंटीजन इस टाइप का है और इसका ब्लड का जो एक ग्रुप है तो उसके आगे ये त्रिभुजाकार है, तो एंटीबॉडी उसने क्या बनाया, एंटीबॉडी ऐसा ही बनाया है। कैसा बनाया उसने एंटीबॉडी, क्या बनाया यहाँ पे, बी बनाया। तो ये बी का जो कर्व है ना, जैसे बी घूमता है, बी की गोल गुंडी होती है ना, बी की गुंडी पाई जाती है ना, ये देखिए बी, ये बी के आगे क्या है, ये गोल सा है ना, ये ठीक ऐसे ही गोल यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये गोल। अब यहाँ के उसके मुंह पे एक डंडी खींच देंगे तो क्या दिखेगा, बी दिखेगा, ये बी इस वाई में चिपक गया ऐसा ही दिखेगा, राइट, बी इस वाई में चिपक गया ऐसा दिखेगा। तो अब ये जो कर्व बना हुआ है इस एंटीजन का, ये बी का शेप होगा, तब ये एक दूसरे के साथ ब्लड में चिपकेंगे नहीं, और नहीं तो इसका शेप ए होगा और उसका भी शेप ए होगा, तो दोनों के त्रिभुज आपस में टकराएंगे और दोनों चिपक जाएंगे और ब्लड जाम हो जाएगा और आदमी मर जाएगा, विद इन ए सेकेंड उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ब्लड घूमेगा नहीं, ब्लड के अंदर ये सब तैरेंगे नहीं, और ब्लड में ये सारे एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो भगवान कितना सुंदर संरचना बनाया, आप सोचो कितने इतने सारे तामझाम, उससे बड़ा साइंटिस्ट कौन दुनिया में हो सकता है। अब ऐसा कोई साइंटिस्ट ढूंढना हो तो अब आजकल तो मिलता नहीं है ना, इतना बड़ा साइंटिस्ट जो हमको चलाता है, कितना सोच समझ के बनाया। देखिए ए एंटीजन आगे कर्व निकला हुआ ए वाला, तो इसके लिए क्या दिया, एंटीबॉडी बी दिया, इसलिए क्या होगा, जहां एंटीजन यहाँ पे ए होगा और ब्लड ग्रुप एक होगा तो इसकी एंटीबॉडी हमेशा बी होगी। समझ में आ गया, यहाँ तक ए होगा तो यहाँ पे बी होगी। ठीक इसी प्रकार यदि एंटीबॉडी आरबीसी के कॉर्नर पे ये बी वाला गोल होगा तो एंटीजन क्या होगा, ए होगा। ये देखिए दिख रहा है यहाँ, तो इसमें भी ये गोल फंसेगा नहीं, आराम से यूं टकरा के, ये गोल है चिकना रहेगा तो यहाँ से फिसल के ये चला जाएगा, लेकिन वहां त्रिभुजाकार होता तो इसमें घुस के फंस जाता। अब बताइए इतना बड़ा वैज्ञानिक कहाँ से ढूंढते लाए। तो ऊपर वाला भी खतरनाक वैज्ञानिक है, हमको पैदा किया तो अब सोच समझ के एक एक चीज अंदर डाला है, आंख नाक मुंह पता नहीं क्या खतरनाक ऐसा बनाया है इस मशीन को ऊपर वाले ने, कि जबरदस्त ये चलती रहे हमेशा,
हमेशा चलती रहे, इसको तो हम खराब कर रहे हैं, उसने तो बहुत बढ़िया मशीन बना के दी थी, लेकिन खराब तो हम कर रहे हैं ना। तो ये क्या हुआ, बी ग्रुप कैसे चेक करेंगे, ऐसा बी कर्व निकला है ना ऊपर, तो ये आरबीसी के मुहाने पर ऐसा गोल संरचना है, तो हम इसको ब्लड ग्रुप बी बोलेंगे, लेकिन इसका एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। देखिए इसका एंटीबॉडी ए, ये ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए लिखा है, तो इसका एंटीजन क्या है, आरबीसी के ऊपर जो कर्व निकला हुआ है वो एंटीजन है, एंटीजन जो जुड़ा हुआ है इससे वो क्या है, ए है, ए का कर्व है, ए की त्रिभुज की संरचना है, तो उसका एंटीजन क्या बना, बी बना, एंटीबॉडी सॉरी, उसका एंटीबॉडी क्या बना, बी। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के टकरा करके निकलते हैं, ये नहीं टकराएंगे तो पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन वायरस कौन बैक्टीरिया हमारे ब्लड में घुस गया, किसको मारना है, यही तो तय करते हैं, यही तो बताते हैं इसको, ये एंटीबॉडी को यही तो खबर देते हैं, एंटीबॉडी जाके आरबीसी को जगाता है, आरबीसी को नहीं डब्ल्यूबीसी को जगा देता है, आपको पता ही है, लिम्फोसाइट जिसको टी सेल बोलते हैं उसको जाके, यही तो जाके बोलेगा चाचा उठो, उसका बॉस तो वही है ना, उस कुंभकर्ण में सो रहा होता है वो, तो जगाता तो वही है, कौन जगाता है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी वायरस जैसा दिखता है, और एंटीजन कैसा दिखता है, ये ऊपर आरबीसी के ऊपर लगा रहता है ऐसे गोल, ठीक है। तो ये आरबीसी गोल है, इसके ऊपर ए की त्रिभुज वाली संरचना है, तो इसको बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए। तो जिसमें ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा, और जब एंटीबॉडी बी होगा और ब्लड ग्रुप बी में देखते हैं तो क्या पाया जाएगा, यदि एंटीजन यहाँ पे बी का आकार कर्व लिया हुआ है, गोल गोल दिख रहा है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या हुआ, ए हुआ। एंटीजन यदि बी है तो एंटीबॉडी क्या हुआ, ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन या ब्लड ग्रुप बी है तो क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी क्या है, ए है, एंटीबॉडी क्या, ए है। देखिए ब्लड ग्रुप ए में और बी में दोनों में अंतर दिख रहा है, यानी आरबीसी के ऊपर ए कर बना है, एंटीजन बना है, तो क्या होगा उसका एंटीबॉडी क्या बना, वाई वाला, वाई को तो एंटीबॉडी बोलते थे, ये क्या बना, बी बना, करेक्ट। और यदि बी ब्लड ग्रुप हुआ तो एंटीबॉडी क्या हुआ, ए हुआ। क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े, ये हमारा ए और बी ब्लड ग्रुप क्लियर हो गया। अब तीसरा ब्लड ग्रुप देखते हैं, अब ब्लड ग्रुप ए और बी देखते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप हो तो कैसे होगा, मान लो यहाँ पे एक गोल भी है त्रिभुज भी है, दोनों यहाँ पे फिक्स हो गए, अब क्या होगा, तो यहाँ पर भी भगवान बहुत तेज था, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ गया है वो, तो क्या किया, यहाँ पे एंटीबॉडी बनाया ही नहीं, जिसके ब्लड में ए और बी होता है उसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी बनाया ही नहीं, ले फंस के दिखाओ। एंटीबॉडी का काम किया गया, एंटीबॉडी का काम ये दोनों ही करेंगे, ये जो त्रिभुज वाला है ना यही यही करेंगे, गोल गोल, एक तो ये ए और बी जो दोनों मिल गए ना आपस में, यानी दोनों डबल पावर एक साथ आरबीसी की सुरक्षा के लिए दो दो हैं यहाँ, तब एंटीबॉडी की इसकी जरूरत ही नहीं है, दो दो एंटीजन है ना इसके पास, तो जब दो थे तो भगवान ने इसका बनाया नहीं, इसलिए ये जगह खाली पड़ी। क्यों नहीं बनाया, मान लो ये कुछ भी बनाता तो उसके अंदर ये फंस जाता, मान लो वो त्रिभुज वाला फंस गया, त्रिभुज वो गोल बना देती, ये वाला बी वाला जो सेकंड वाला है ना ये फंस जाएगा, और त्रिभुज वाला बना देता तो फिर ये गोल वाला फंस जाता है ना, इसलिए न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी, न बजेगी बांसुरी। तो भगवान पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ था, उन्होंने उठा करके इसको हटा ही दिया,
हटाओ, किस्सा ही खत्म। अब भगवान ने देखा कि एक और रह जाता है ब्लड ग्रुप ओ, इसका कैसे मामला सेट करें, है ना। तब ओ जो है, ओ ब्लड ग्रुप है, देखो इसके बाहर क्या है, बाहर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी नहीं है, क्लियर। इसके ब्लड ग्रुप एकदम ऊपर क्या है, प्लेन है। इसके क्या है, ओ ग्रुप में क्या है, एकदम प्लेन, इसमें एंटीजन दिया ही नहीं है भगवान ने। ऊपर ब्लड ग्रुप में ऊपर ए बी का कर्व कुछ भी दिया ही नहीं, तो फिर क्या है, बिल्कुल सपाट, एकदम चिकना बनाया, एकदम चिकना, गोल गोल। अब क्या करें, ये तो बना दिया ओ ग्रुप हो गया, और जो एंटीबॉडी बनाई ना, उसमें दो तरह की एंटीबॉडी बना दी, ए और बी। ए का कर्व, एक का तो त्रिभुज वाला एक कर्व देख रहे हैं, है ना, ये देखो, ये देखो, ये तो त्रिभुज वाला ए हो गया एंटीबॉडी, और दूसरा एक और एंटीबॉडी बनाया ऐसा बी वाला गोल। एक तो ये त्रिभुज वाला बना दिया, और एक बनाया ऐसा गोल बी वाला। तो यहां पे भगवान ने क्या किया, दो दो एंटीबॉडी दे दी। अब देखते हैं यहां कोई फंसेगा क्या, दोनों टकराएंगे चुपचाप निकल लेंगे, तो गोल है एकदम चिकना है ब्लड ग्रुप तो, है ना। तो जहां कोई ब्लड ग्रुप नहीं दिखेगा तो उसको क्या बोल देंगे, ओ ब्लड ग्रुप ओ, क्लियर। यहां तक हो गया मामला फिक्स। तो भगवान ने पहले वाले में क्या कर दिया, ए ग्रुप जो था उसका आरबीसी के बाहर एक ही जैसी त्रिभुज जैसी संरचना, आगे एंटीजन बनाया और एंटीबॉडी ऐसा बनाया कि उसको पास आउट करके निकल जाए, उसमें फंसे ना, तो उसमें गोल वाली संरचना दे दी, यानी बी दे दिया, ठीक है। तो आरबीसी के मुहाने पर यदि ब्लड ग्रुप ए जैसा दिखता हो, तो ए ग्रुप बनाया ब्लड ग्रुप, तो एक ब्लड ग्रुप में हमेशा एंटीबॉडी बी पाई जाती है, क्लियर हो गया। एक ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी पाई जाती है, और बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी पाई जाती है, बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी पाई जाती है, बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी पाई जाती है, क्लियर, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, ए और बी बन गया, एक और तीसरा नंबर का भगवान ने बना दिया। अब यहाँ ये एंटीबॉडी की जगह बिल्कुल खाली है, एंटीबॉडी बना ही नहीं इसके लिए, बनाते तो यहाँ फंस जाती, क्या देते उसके कर पे, या तो गोल बनाते हैं या त्रिभुजाकार बनाते हैं, तो दोनों आकर के गोल वाला गोल के साथ मिक्स होके चिपक जाता था, और त्रिभुज वाला त्रिभुज के साथ चिपक जाता था। तो भगवान ने देखा कि इन दोनों को हटा दो, इसको बीमारी को हटाओ, तो ना रहेगा बांस, ना रहेगी मतलब ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। तो बांसुरी बजाना है यहाँ पे बंद, तो हटा ही दिया, हटा दिया तो अब ये अकेला ही काम करता है वो सारा एंटीबॉडी का भी, ठीक। अब आ जाते हैं मैदान में, ओ ओ ब्लड ग्रुप कैसे बना। ओ ब्लड ग्रुप में उन्होंने, भगवान जी ने क्या किया, ओ ब्लड ग्रुप आरबीसी का तो ये गोल गोल है ही, आरबीसी गोल ही होता है, ठीक। अब आरबीसी के गोल के आगे बाहर कुछ मुंह पे कुछ दिया ही नहीं, उसमें बिल्कुल चिकना बना दिया उसको। अब ये जो चिकना बना दिया, तो अब ये इसकी एंटीबॉडी दो दो दे दी, एक एंटीबॉडी तो ए की हो गई, एक एंटीबॉडी हो गई बी की। अब ये दोनों एंटीबॉडी में से कहीं नहीं फंसता है, क्योंकि चिकना है, वो कहता है ना चिकने घड़े पे कुछ टिकता ही नहीं है, तो ऐसा चिकना घड़ा है कि इसके दोनों एंटीबॉडी टिकते ही नहीं, तो दोनों आसानी से फिसल जाएंगे। तो चार ब्लड ग्रुप हमको समझ में आ गए बड़े आसानी से, एक मिनट लगता है, खाली एक ब्लड की बूंद लो
उसको माइक्रोस्कोप के नीचे फैला लो, फैलाने के बाद में आरबीसी एक कोई एक आरबीसी को पकड़ो, फिर उसको बढ़ा करके उसको जूम करके देखना शुरू करो, उसमें जूम करते करते आपको ये दिखने लग जाएगा, ये आरबीसी में ए सा कर्व लगा हो और बी एंटीबॉडी हो, या कोई एक चीज देख लो एंटीबॉडी कैसे उसके एंटीबॉडी थोड़े बड़े दिख जाते हैं या आरबीसी बड़े दिख जाते हैं, वैसे आरबीसी बड़े दिखते हैं एंटीबॉडी छोटे होते हैं। तो आपको जो भी एकदम क्लियर पिक्चर दिख जाए, यदि एंटीबॉडी दिख रहा है एक प्रकार का एंटीबॉडी दिख रहा है ऐसा बी, तो समझ जाओ कि इस पे जरूर ए एंटीजन होगा ही होगा। तो ए एंटीजन जब यहाँ होगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा ए, और एंटीबॉडी उसमें क्या होगा बी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। ऐसे ही ब्लड ग्रुप यदि बी होगा तो एंटीजन क्या हुआ ए हो गया, और ए और बी ब्लड ग्रुप हुआ तो यहाँ पे एंटीजन भगवान ने हटाई दिया ही नहीं है, बोले ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, फंसेगा ही नहीं ना ब्लड के अंदर, ये सब तैरते हैं तो चिपक जाएंगे नहीं तो। अब यहाँ पर भी देखा कि उसने देखा कि अब क्या करें, एंटीबॉडी यहाँ पे कुछ बैतनी रहा मामला, तो क्या करो इसको तो बना दो आरबीसी को, छेड़ो ही मत, पड़ा रहने दो गोल गोल, बिल्कुल घूमने दो इसको तो ऐसी। लेकिन अब इसकी सुरक्षा कौन करे, तो सुरक्षा करने के लिए एक नहीं दो दो एंटीजन बना एंटीबॉडी बना दिए, एक तो एंटीबॉडी ए दे दिया एक बी दे दिया, तो सबसे सुरक्षित कौन हो गया, सबसे कम बीमार करने पड़ने वाला कौन सा हो गया, यही हुआ ना, इसके पास दो दो एंटीबॉडी हैं, इसलिए ओ वाले बीमार कम पड़ते हैं। आप खुद ही कहोगे वो वाले कम पड़ेंगे भाई, इसके आगे इसके तो दो दो हैं, बाकियों को तो एक एक मिली ना एंटीबॉडी, जो सुरक्षा चक्र नहीं है बाकी तो एक एक के साथ में एक 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 सुरक्षा चक्र है, इसके तो दो दो घूम रहे हैं, और दो दो पहरेदार होंगे तो स्वाभाविक है पहरा तो तगड़ा हो गया ना। ये है चीज, इसको समझना जरूरी था। आज हमने एग्जाम में का प्रयास किया कि ब्लड ग्रुप क्या है और कैसे इसका निर्धारण होता है, और थोड़ा सा कर लेते हैं, ऐसे तो 5:30 बज चुके हैं, लेकिन फिर आपके प्रश्नों के लिए समय नहीं रहेगा, तो या तो हम प्रश्न लें या फिर इसको पूरा कर लेते हैं। दादा पूरा कर लो। हाँ इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई समझ में आ गया, 4-4 बार मैंने बताया, क्लियर हो गया सर ये तो। और क्या इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी फंसने वाला कुछ है ही नहीं, भगवान ने एकदम साफ सुथरा मामला बना दिया ना। ये डॉक्टर ने ये चेक किया राइट, उसको पता है कि भगवान ने ऐसा कुछ बना कर दिया, बड़ा वैज्ञानिक तो वही है ना। ए और बी और ए बी और इन दोनों का सबका निर्धारण, 4 ब्लड ग्रुप हमारे हो गए क्लियर। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण किससे होता है, एंटीजन पर निर्धारित होता है। ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होगा, एंटीजन से, एंटीबॉडी से नहीं होता। दादा एक बात पूछनी है जी, मेरा तो ओ पॉजिटिव है, तो फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है। अभी आ रहे हैं, थोड़ा रुको तो सही, ठंड रखो वही तो वही बीच सीधा ही जम कर दिया है चेतक घोड़े पे भी सवार मत हो भाई, वो महाराणा प्रताप का जमाना था दूसरा ऐसे मुझे लगा ग्रुप का चैप्टर खत्म होने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव तो आया भी नहीं। अभी कहाँ, अभी वो उसको फैक्टर बोलते हैं ना, अभी महाराणा प्रताप के घोड़े पर सवार नहीं होना है। महाराणा प्रताप तो 4 घोड़े की टांग पर बैठे थे ना, वो तो घायल हो गया बेचारे के, 3 ही रह गई थी ना, अब 3 से तो अपन गिर पड़ेंगे, अभी इतना दौड़ नहीं लगानी जी जी तो अभी हम चलते हैं अभी जी। तो रिपीटेशन में आपने देख लिया इसको इस तरह से चलता है राइट।
अब हमको इसका आगे बढ़ना है, यहां तक एकदम क्लियर हो गया। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, इसको बोलते हैं फैक्टर। क्लियर, फैक्टर, पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या बोलेंगे, फैक्टर। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। तो एक बार क्या हुआ, जब वीनर जो थे ना, वीनर साइंटिस्ट, इन्होंने बंदरों को पकड़ पकड़ के इनका ब्लड ग्रुप चेक कर रहे थे सबका, तो किसी का ए मिला, किसी को बी मिला, किसी का ओ मिला, किसी का ए बी मिला। अचानक से उनको एक चौकोर आकार की एक ब्लड एक बंदर के ग्रुप के अंदर दिखाई दी, और वो चौंके के, अरे यार ये जो उन्होंने नियम जो बनाए हैं, ये भगवान के जो नियम देखे और इन सब के आधार पे साइंस लिख रहे थे, उनको समझ में आया कि ये तो कुछ कुछ गड़बड़ लगती है। तो उन्होंने ये देखा कि जो बंदर है ना, बंदर बंदर की ब्लड के अंदर एक चौकोर सी संरचना कुछ नजर आ रही है, और उन्होंने क्या किया, एक रिसेस प्रजाति का बंदर था उसके अंदर ये अंतर देखा, रिसेस जो बंदर था उसके अंदर अंतर देखा, और उसके अंदर क्या निकला था, एक हल्का सा कर्व निकला हुआ था, हल्का सा कर्व निकला था। उसको मैं अभी कागज और पेन के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि इसमें मेरे पास देखता हूँ इसमें है क्या उसका चित्र, पॉजिटिव और नेगेटिव का, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम कागज लाएंगे पेन लाएंगे और फिर इसको देखने का प्रयास करेंगे। कुनी इसमें तो नहीं है, एक मिनट और चेक कर लेता हूँ, नहीं होगा तो लाना ही पड़ेगा। फैक्टर का पेज नहीं है, अब ये तो माता पिता का आ गया ना, ए एंड बी होने पर बच्चे का ग्रुप ऑल हो सकता है, कोई भी आ सकता है, वो बात की विषय है। पहले अपन ये तो देखें फैक्टर वाला, पहले फैक्टर आएगा जब भी तो आएगा, नहीं है नहीं है नहीं है। चलो मैं फोटो से दिखाता हूँ उसको, एक कागज और पेन देना, कागज और पेन दे, फटाफट लाइट आप भी पंखा क्यों नहीं चलाया, आपने नहीं चलाया, ये मेरी कॉपी है, इसमें लिख लो आप और पेज फाड़ लेना अगर चाहिए तो, पेज खाली एक दो मिनट के लिए चाहिए, एक टुकड़ा प्लेन पेपर मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। इस पे दिखा दो प्लेन पेपर, हाँ लिख दो। चलो
अब हम करते हैं कैमरा ऑन और इस कैमरे के अंदर आपको दिखाई देगा, तो ये दिखाई देगा इस स्क्रीन शेयर को हम हटा देते हैं, तो स्क्रीन शेयर को हटा दिया, हट गया, ये कर दिया कैमरा ऑन और ये वाला कैमरा ऑन हो गया। राइट, अभी कॉपी दिख रही है ना सबको, कागज कलम दिख रही है। राइट राइट, तो अभी हमने क्या देखा था, हमने देखा था ये ब्लड ग्रुप, ये आरबीसी है ना, ये क्या है आरबीसी, ठीक। अभी हमने देखा था ए और या फिर बी, ऐसे करके एंटीजन हमने देखा। अब क्या देखा, आरबीसी के इस गोल घेरे के चारों तरफ रीसस बंदर को जब पकड़ा और साइंटिस्ट विनर ने देखा कि कुछ ऐसी संरचना है, डब्बा डब्बा जैसा, पता नहीं क्या है, ऐसा भी है ये जो है ना, इतने बड़े बड़े जो निकले पड़े हैं, जैसे ये ए है, ये तो एंटीजन हो गया ए है ना, ए का। अभी इसके अंदर ये त्रिभुज अंदर तक ऐसे धसा रहता है, ऐसे आरबीसी में देखोगे ना, तो ये आप इधर से देखोगे घुमा के, तो ये ए दिखा, ये ए लिखा हुआ ना, यहाँ से ये ए हो गया है, क्योंकि ग्रिप बनाने के लिए अपनी टांग तो अंदर घुसेड़ देगा ना आरबीसी के अंदर, जब भी, तो अब ये ए बना, ए फॉर एप्पल, ऐसे बी बनता है, तो बी में भी आधा कर्व यूं शुरू होता है, वो अंदर घुसने की जगह तो चाहिए ना उसको, ग्रिप नहीं चाहिए तो उखड़ जाएगा, इतनी तेजी से घूमते हैं, बहुत तेजी से, सोचो 120 की स्पीड से ब्लड फेंक के मारता हार्ट, तो इतनी गति से तो ये उखड़ जाएंगे। तो अब इसके अलावा उसने जीसस बंदर को देखा, तो विनर ने ये देखा कि इसके आगे पता नहीं क्या, एक छोटा सा भाग यूं और यूं यूं करके है, फिर वापस से जब यहाँ पर ये देखा उसने कि यहाँ पर ये ए कर्व निकला हुआ है, फिर देखता वो गोल घुमा के, उसने फिर यहाँ पे देखा ये कर्व, फिर ये हल्का सा ये कर्व डब्बा सा दिख रहा है, फिर यहाँ डब्बा दिख रहा है उभरा हुआ, फिर यहाँ पर ए दिख रहा है, फिर वापस वो देखता है एक डब्बा दिख रहा है यहाँ पे, छोटा सा डब्बा, ये जो डब्बा हल्का सा उभरा हुआ एक स्पाइक प्रोटीन का सा भाग दिख रहा है, वो उसको कंफ्यूज हुआ, बड़ा मुश्किल, समझ में नहीं आया उसको क्या बोले, इस बंदर के अंदर ये ऐसा क्यों है। उसने क्या किया, परख नली में दोनों ब्लड को मिलाया और फिर उसको आरबीसी को फिर चेक किया कि ये जो ब्लड अंदर जो था परख नली में ये घूम रहा था ऐसे है ना, क्योंकि अभी तो ब्लड जिंदा है ना, गर्म है तो जिंदा है तो घूमता है, इसमें आरबीसी घूम रहे होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी ये भी घूम रहे होते हैं, राइट, ये एंटीबॉडी हो गए, तो एंटीबॉडी भी घूम रहे होते हैं ये आपस में, ये जो आपस में घूमते 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 घूमते, उसको जब ये वाला मामला दिखा तो वो बड़ा कंफ्यूज था, इसको क्या समझ में नहीं आया क्या करें, ये बहुत बारीकी से, क्योंकि ये तो सारे बड़े बड़े हैं, ये बहुत छोटा सा हल्का सा कर्व है, आरबीसी इतना बड़ा और उसके अंदर हल्का सा एक उभरा हुआ हल्का सा भाग है, ये समझ में नहीं आ रहा था उसको। उसने क्या किया, उसने तो ब्लड उठाया ए ग्रुप है दोनों को परख नली में मिला दिया, तो ये सारे चिपक गए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो जब ये डब्बा सा खांचा सा दिखा ना उसको, ये तो उसने देखा नहीं, उसने तो खाली ये देखा, ये ब्लड ग्रुप यानी एक का बंदर का ग्रुप दूसरे का चढ़ा सकते हैं ना, ए है ना, ये तो समझ में आ गया ए है और एंटीजन इसका बी हो गया, तो ये तो चढ़ सकता है आराम से, तो उसने जब वो दोनों का परख नली में मिला दिया तो ब्लड पूरा जाम हो गया,
उसको समझ में नहीं आया ये चक्कर क्या है, ये जाम क्यों हुआ। तो उसने फिर और बारीकी से अध्ययन करना शुरू किया, कहीं ना कहीं बोले मैं गलत हूं, भगवान की इस उस बड़े साइंटिस्ट ने पता नहीं क्या बनाया इसको, इस गाड़ी को, कि ऐसा कुछ ना कुछ तो मेरे से गलती हो रही है ना। तो उसने गलती देखी तो उसको बहुत बारीकी से और जूम किया, उसको ऐसे और जूम किया और जूम किया और जूम किया, तो फिर उसको ये दिखाई छोटा सा ये काइट, जैसे कुछ पता नहीं क्या बना हुआ है ऐसा चबूतरा सा इसमें, है ना, ऐसा डब्बा सा निकला हुआ जो है। इस डब्बे को निकला हुआ ध्यान करके उसने क्या बोला, यानी ए और डब्बा निकला हुआ है तो पॉजिटिव, उसने पॉजिटिव का मतलब क्या उपस्थित है, नेगेटिव का मतलब उपस्थित नहीं है। तो मेडिकल साइंस में कोई चीज होगा तो पॉजिटिव तो नेगेटिव, मान जैसे कोरोना लिखेंगे तो कोरोना पॉजिटिव तो है, कोरोना नेगेटिव तो नहीं, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी कोई जैसे विडाल टेस्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव लिख देते हैं, विडाल में देखते हैं कि है तो टाइफाइड कंफर्म है ना। अब ये तीन चार पांच लाइनें होती हैं, सब में देखेंगे कैलकुलेट करेंगे, इसमें भी है विडाल में भी, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब टोटल कितने प्लस हुए, पांच प्लस हैं, तो पांच में से तीन पॉजिटिव हुए, तो तीन का क्या हुआ बहुमत हो गया ना। तो जब नीचे आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वन टू थ्री, ये थ्री बाई टू, यानी टू कम है यानी थ्री है उसमें प्लस, तो इसका मतलब पॉजिटिव है विडाल पॉजिटिव है ना। ऐसे ही मलेरिया लिखेंगे तो मलेरिया ऐसे ही चेक करेंगे, माइनस 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 ज्यादा है तो फिर माइनस हो जाएगा तो नेगेटिव हो गया, प्लस 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 की संख्या ज्यादा है तो जब कैलकुलेट करेंगे तो जितना बाई जितना होगा तो प्लस, तो ये पॉजिटिव है यानी उपस्थित है और उपस्थित नहीं है, ये मेडिकल साइंस में लिखा जाता है टेस्ट में जब भी करते हैं, तो हर चीज में ऐसी होता है, बीमारी उपस्थित है तो ये प्लस, नेगेटिव तो उपस्थित नहीं, करेक्ट। ये क्लियर हो गया यहाँ पे दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे ही ये फैक्टर के बारे में देखा उन्होंने, ये डब्बा यहाँ से ऐसे लगा हुआ था तो उसको उसने बोला ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव यानी ये डब्बा उपस्थित है, ये डब्बा उपस्थित जिसके आगे नहीं है वहां इसने लिखाया, जैसे ये खाली ये बनाया और यहाँ पे एंटीजन बने हुए हैं, है ना, अब यहाँ पे क्या है बिल्कुल खाली है, ये खाली ये खाली ये खाली ये खाली ये खाली, ठीक, तो यहाँ पे नहीं है तो क्या लिखेंगे, ये ए तो ए दिखेगा, ये तो ए है तो ए को ए ही लिखेंगे, तो ए माइनस यानी नेगेटिव, ए पॉजिटिव का मतलब फिर ये ऐसा दिखेगा तो पॉजिटिव और नहीं है तो नेगेटिव, क्लियर। इतना आसान चीज, अब ये तो आप देख सकते हो ना, एक बस करना क्या है, एक बूंद ब्लड की लेनी है, ये ब्लड की बूंद ली, अब इसमें में आरबीसी ढूंढना है और माइक्रोस्कोप के नीचे रख के इसको बड़ा कर देना वाइट, एक कांच की स्लाइड पे फैला देंगे, फैला करके इसको बड़ा कर देंगे, वेरी सिंपल, बड़ा आसान, इतना आसान, बताओ कितना आसान है ना, दिखना कितना आसान है, फटाक से दिखता है, एक बार में ही पता लग जाता है, ये एंटीजन ये हो गया सारा क्लियर मामला। हाँ अब बोले आ गया समझ में, यस। हाँ आप, कोई प्रश्न बचा ही नहीं क्योंकि मैंने इतनी बार उसको रिपीट कर दिया, घुसेड़ दिया, धक्का मार मार के अंदर ठूस ठूस के डब्बे में डाल दिया, दिमाग के डब्बे में। सर एक क्वेश्चन है, अब क्या बच गया, अभी भी बच गया नहीं, हाँ। इसके बारे में आपने बोला ना, उसको जो ब्लड का आरबीसी है उसको फैला लें, वो प्लेट पे तो फैल जाता है लेकिन उसमें एक लिक्विड डालते हैं, वो क्या होता है उसमें ब्लड को? कुछ नहीं जी, ये खाली लिक्विड नहीं, खाली पानी डालते हैं पतला करने के लिए, समझ गए ना,
पानी है वो तो उल्लू बनाते, कुछ नहीं करते। हाँ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पतला करने के लिए वो जो पानी डालते हैं ना वो होता है कौन सा, डिस्टील वाटर डालते हैं जिसमें जिस बैक्टीरिया वैक्टीरिया कुछ नहीं हो। आम पानी में तो अपन कुछ ना कुछ तैरता हुआ दिखता है जी, जी, जी है ना। तो डिस्टील वाटर होता है जो इंजेक्शन में से निकालते हैं, उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ होता नहीं है एकदम। डिस्टील वाटर का मतलब आप समझते हैं बिल्कुल क्या है, एकदम नीट एंड क्लीन साफ सुथरा पानी। सर मैंने एक बार ब्लड चेक करवाया था, मेरा ब्लड ग्रुप ए आया था, लेकिन फिर 4 साल बाद चेक कराया ए बी पाया, और फिर कितने साल बाद मेरा ब्लड ग्रुप ओ भी आया था। ये क्या वेरिएशन होती है? ये कोई नहीं आया, उन्होंने गलती की होगी देखने में, और कोई वो दिक्कत नहीं। अरे एक बच्चा जब पैदा हुआ है तब से लेकर के उसका ब्लड ग्रुप वही रहेगा, बार बार बदलता थोड़ी है, ये तो मरने के बाद ही बदलता है। हम कोई भूत भूत तो है नहीं जो आज आज हमारा ना, हम कोरोना है जो अभी नया म्यूटेंट हमारा आ जाएगा नेग्लिजेंसी भी होती है ना, वो टैली नहीं ना एक दूसरे की रिपोर्ट, क्या लैब की नेग्लिजेंसी ही होती है फिर ये। और क्या भाई, ये सब मेरी गलती है, ये सब हम मानव जनित गलतियां हैं, ये सब ये तो परमात्मा की कृपा रही कि ब्लड ग्रुप नहीं डलवाना पड़ा। उस समय पोजीशन ऐसी थी ब्लड ग्रुप डलवाना था, ब्लड डलवाना, और गलती से डाल दिया होता तो फिर क्या होता सोचो। हाँ, तो मार देता जीते जी और इंजेक्शन मंगवा लिए गए थे वहां डिलीवरी के समय की बात है ये। हाँ तो जीते जी मार देता हमको, इतनी ब्लंडर मिस्टेक थोड़ी की जा सकती, जाम हो जाता है जोड़ वहीं के वहीं। अक्सर होती है हॉस्पिटल में, हार्ट चिपक जाता है एकदम, एक्सीडेंटल केस में यही तो हो रहा है आजकल हॉस्पिटल में, यही तो हो रहा है। तो आप कहते हैं ना ब्लड चढ़ाते हो तो आदमी मर गया आधा घंटे बाद, अब ये उल्टा पुल्टा देखते हैं जल्दबाजी के काम, जल्दी का काम शैतान का। तत्पश्चात दादा जी, इसमें कई बार जो कहते हैं कि मदर का ब्लड आरएच पॉजिटिव, फादर का आरएच नेगेटिव, कुछ ऐसा सा भी कुछ बोलते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसका क्या रीजन होता है? हाँ जी हाँ, अब ये फिर लंबा चलेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव में शुरू कर दूंगा तो ये नया चैप्टर हो जाएगा, है ना, जिसके अंदर वो सारा चीज आएगा। आप पीपीटी देखो ना, आपने उसमें लिखा था है ना, वो नेक्स्ट पेज में आपको वही दिखेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसके साथ मैच कर रहा है तो क्या बन रहा है। दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, बिल्कुल खुला हुआ ही है। अगली बार के लिए संतोष हो जाएगा ना आपको चलिए देखते हैं, ये तो एंटीबॉडीज हो गया, एंटीजन ये वाला तो पेज अपन ने पढ़ लिया ना, अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ गए तो अब हमारे सामने क्या आ गया, ए प्लस बी, ए और बी होने पर क्या होगा, ऑल ग्रुप कोई भी आ सकता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चे में ग्रुप क्या आ सकता है, ए और बी की आपस में क्या है, दोस्ती, कुछ ब्लड ग्रुप है जिनकी आपस में दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है, ठीक है, वो हम क्यों है वो सब इसीलिए मैंने कहा कल देखेंगे। इस पेज को आप देख रहे हैं ना, बस ये इतना ही देख लीजिए आज, दिख नहीं रहा सर, क्यों शेयर कर दिया मैंने आपको, कोई नहीं दादा कल कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसको फिर कल। अच्छा अच्छा शेयर इसलिए नहीं हुआ, मैंने तो कर दिया मेरी तरफ से, क्योंकि वो अब मैं एडमिन नहीं हूँ शायद, इसलिए उनको प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर छोड़िए समय हो गया है।
तो सभी को प्रणाम। प्रणाम दादा। नमस्कार। नमस्कार सर।